अरे भाई सब ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। ये कोई बात होती है, कोई तमीज होती है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लखनीज ब्लॉग्स। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको बस एक चीज बताना चाहूंगा भाई, अभी का ऑनगोइंग हॉट टॉपिक चल रहा है हमारे बिग बॉस से रिलेटेड। यार आप लोग एक बार लास्ट ईयर का बिग बॉस देखो OTT। वैसे मैंने नहीं देखा था वो, बट मुझे कॉन्टेक्स्ट पूरा पता है उसका। कैसे दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, एलविश और फुकरा, है ना, दोनों एज अ फ्रेंड अंदर गए बिग बॉस हाउस के अंदर और एज अ राइवल बन के बाहर आए वहाँ से, है ना। फैन वॉर्स स्टार्ट हो गए, एक बंदे के फैन पेजेस दूसरे बंदे के फैन पेजेस को गालियाँ बक रहे हैं, वहाँ से भी ऐसा हो रहा है। तो मतलब कितनी ख़राब एक सिचुएशन हो गई वहाँ से, है ना भाई। दोबारा से वही सब हो रहा है, बिग बॉस इज़ अ गेम ऑफ TRP। दोबारा से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज दे हैव रीच ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कोई टॉपिक ट्रेंड कराना होता है तो ऑब्वियसली बात है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा हूँ एक ऑनगोइंग टॉपिक दोबारा से कंट्रोवर्सी चल गई है, तो वहाँ भी लोग फिर से डिवाइड हो रहे हैं भाई, हर बार यही हो रहा है। और उन लोगों को मेरा स्पेशली मैसेज है जो अलग अलग पेजेस बना बना के कभी इसको गाली कभी उसको गाली, स्टॉप इट यार। आफ्टर ऑल ये सब उनको भी नहीं समझ आ रहा, जो भी अंदर है ना उनको लड़वाया जा रहा है। आई थिंक TRP के लिए वो लोग भी लड़े जा रहे हैं, विच इज़ बैड। सी, कमेंटिंग ऑन समवन इज़ बैड, हिटिंग समवन इज़ बैड। आप लोग जो बाहर से बैठ के देख रहे हो, पिछले साल देखा कितना डर्टी गेम हो गया था वहाँ पे, है ना। मतलब दो दोस्तों को दुश्मन बना दिया, दो सेम फील्ड के क्रिएटर्स को एक दूसरे का राइवल बना दिया, सेम इस बार भी हो रहा है। तो प्लीज़ जस्ट वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट, डोंट गेट इन्वॉल्व इन इट टू मच कि आपकी पर्सनल लाइफ पे कुछ इफेक्ट पड़ जाए। आफ्टर ऑल भाई विनर जो हो रहे हैं ना इस शो के, वो शो मेकर हैं, जो चाहते हैं उनके शो चले, TRP हो, लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। हो सकता है जो लोग अंदर हैं उनमें से कोई जीते उनमें से कोई ना जीते, हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला भाई। मतलब लड़के आपस में गाली गलौज कर करके, तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ सारी चीज़ें कि हमेशा सेम पैटर्न फॉलो होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आपस में लड़वा रहे हैं और लोग लड़े भी जा रहे हैं भाई। क्यों कभी बॉलीवुड एक्टर्स या TV सीरियल के एक्टर्स को अब नहीं लड़वाना बंद कर दिया है? तो कुछ सोचो और प्लीज़ डोंट बी मीन यार। मतलब ठीक है, सब एक ही कम्युनिटी के हैं, सब आपस में भाई भाई हैं और सब बाहर आके दोबारा से भाई भाई हो जाएंगे, मेरे को पता है। तो स्टॉप डूइंग ऑल दिस और वॉच इट जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। नाउ यू एंजॉय द व्लॉग। आज के व्लॉग में प्रैंक होगा नीतू के साथ। गुड मॉर्निंग, स्वागत है लखनीत व्लॉग। हेलो, जल्दी आ जा, सुधीर खाना रख रहा है। ब्राउनी मुझे ऊपर से देख रहा है, वो रहा। मॉर्निंग, सेंड इन द हाउस, लेट हो गया। कार के नीचे बैठे तो गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज अपनी हमेशा कार चेक करना जब भी आप अपनी कार पार्किंग से निकालें, क्योंकि ये नीचे बैठे रहते हैं गर्मियों में। हाय, किसको? वो अपना मस्ती में है, लड़ते ही रहते हैं। मैं सोच रही हूँ यहीं पर खाना रख दूंगा, इनको बिस्किट ज्यादा पसंद है गोलियों से। यहाँ पर हमारे सुधीर ने भी हेलमेट पहन लिया है, आप लोग भी हेलमेट जरूर पहने जब भी बाहर जा रहे हैं। बाहर तो एटलीस्ट पहनो, और सीट बेल्ट भी बहुत जरूरी है। मैं टर्न कर रही थी इसलिए, हफ्ते में दो बार इसमें स्कूटी में पेट्रोल लगता है। क्यों भाई, ऐसा क्या चलती है स्कूटी? अब देखना सुन लो, तेज बोल। बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ गया? चलना ऐसे हुआ। तूने पिया है ना, तू बेचता है इसको। बेचता है ये, बेचता है। तुम लोगों ने इसको पाला हुआ है? क्या नाम रखा है इसका? नाम ही नहीं रखा। तो ये इसको हम काफ़ी महीनों से दे रहे हैं, आई थिंक 6-7 महीने हो गए इस डॉग को यहाँ पर हम लोग खाना देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सामने रहते हैं उन लोगों ने भी इस डॉग को पाला है, गाय भी पाली है। क्या नाम रखा है बेटा इसका? कुछ भी नहीं। तो नहीं तो चले गई गाय को खाना देने। तो हम लोग आए हैं और आंटी हमें मिल गई है। इसको क्या वाटर और है कोई? हाँ, इसको जो है बुला दो। एक और आंटी आ रही है, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया इसी गाड़ी में रखूंगी, क्योंकि मैं इसी को लेकर घूम रही हूँ आजकल। नहीं है? नहीं है भाई, दोबारा खोलो टिक्की, रख दो सामान। अम्मा आपके बाबा आपकी पत्नी है? पूछिए इनसे, इनकी पत्नी है? नहीं, ये नहीं है। बीवी, पत्नी है, बहू है। गाड़ी ले ला, ये अच्छी लगी है। हाँ, बढ़िया। कल आई थी मिठाई देने, आप थे ही नहीं। हाँ। देव ना मिठाई को डब्बा, तो अब तो खत्म हो गया, कल ले आऊंगी मैं। ये नाम दे दो हम कल कल गेट पे ही मिला। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लखनीज व्लॉग्स। तो मेरा मन कर रहा है कि बाहर जाने का, मूड ऑफ हो रहा है यार, यहाँ पे ना मन नहीं कर रहा। थोड़े से कपड़े वपड़े पैक कर लेता हूँ अपने, एक दो दिन कहीं बाहर बिता के आऊँगा शांति के। इसमें पूरे नीतू का ही सामान भरा पड़ा है।
भाई यहाँ पर कान हमारा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो इसलिए हम जा रहे हैं इसकी शिकायत नीतू से लगाने। कर दे चल दे भाई कर दे चल भाई चला चलो। ऑल सेट चल भाभी नीतू भाभी चिल्लेट वगैरह शनेल का परफ्यूम है तो वाइस वाइस वाला है क्या ये क्या हो रहा है मुझे इसको लग रहा है ये भैया का बैग है। हाँ यार है तो उनका उनका ही बैग है शनेल का मतलब भैया जा रहे हैं तो भाभी भी जा रही है कहाँ जा रहे हैं हम लोग अच्छा कहीं जा रहे हो लखन भाई कहाँ जा रहा हूँ क्या हुआ कुछ नहीं क्या हुआ नीतू नीतू तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या मैं तो वहां जा रही नोएडा जा रही हूं तो नोएडा बैग लेके बैग लेके कौन सा बैग ये तो बैग पैक कर बैग पैक कर रहा ओ लगता है मूड खराब है ऐसी बैग पैक अरे वो कपड़े उधर इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं अरे इधर उधर शिफ्ट नहीं हो रहे उसमें परफ्यूम वगैरह सब रखने नहीं कपड़े भी रखे हैं कपड़े रखे भाई भगवान कसम यार हम झूठ बोलेंगे आपसे एक घर में रहकर आप चेक कर लो देखे सामने वाले मेरी झूठ भी कभी मेरे को टाइम भी नहीं मिलती आई थिंक बाहर जाने के लिए इस बार हैवी सेटअप नहीं लेके जाऊँ छोटे वाले कैमराज ले जाऊँ अपने क्योंकि ये जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ भी छोटा वाला कॉम्पैक्ट कैमरा है इनमें भी आई थिंक क्वालिटी अच्छी आती है मेरे को ना बस कुछ टाइम पीस चाहिए एक दो दिन का बहुत सुकून भरे पल अपने साथ खुद के साथ मतलब जा रहा हूँ यार थोड़ा सा मी टाइम के लिए अपने गाँव गई थी दो तीन दिन के लिए मैं पीस ऑफ माइंड के लिए जा रहा हूँ थोड़ा कुछ हो गया इसमें हर चीज का इशू बनाना है किसी को लेके नहीं जा रहा भाई साथ ही रखना तो फिर यही ना रह जाऊँ मुझे जाना थोड़ा अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए ये ले तेरा देख यहाँ रखा हुआ पूरी तेरा सामान कहीं रखा रहता है पहले मैं वो वाला बैग लगा रहा था उसे पूरा तेरे मेकअप प्रोडक्ट भरे हुए भाई कितने फिर मैंने दो तीन दिन के लिए कपड़े बस दिखा ये देख ले यार हमने तो पैक कर दिया फिर तो खुल गई उसको तू ऐसे देख ले ऐसे झाप के ले अरे वैसे ड्रामे तो तुम पहले कभी नहीं करे क्यों मैं ड्रामे नहीं कर रहा भाई तू ये ले ले तेरा ये देख रखा हुआ है ऐसे मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ मेरा मूड खराब होता है तू जाने यार तू मेरे मन करता है मम्मी के पास रुकने का थोड़ी देर मैं हर चीज का इशू नहीं बनाते मैं कोई मैं रुकने नहीं जा रहा किसी के पास भाई मैं थोड़ा मी टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्या मी टाइम कब ऐसे थोड़ी होता है और कैसे होता है नाटक मत करो यार अरे नाटक क्यों लग रहे तेरे को तुम लोग तीनों पागल हो क्या नहीं हम तो वैसे ही पूछ रहे थे हम तो आए थे नहीं मैं पूछ रहे थे कि तो आप क्या 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 तो दो दिन मैं क्या करूंगी यहाँ पे अभी मैं 10 मिलियन की लोकेशन देखने जा रही हूँ कहाँ पर पार्टी होगी कहाँ पर क्या होगा और तुम ऐसे नाटक कर रहा हूँ सही ना तेरे को टाइम मिलेगा तू जाके वो तो मेरे को टाइम मिल जाता मैं तो चली जाती हूँ अपना काम करते अपना काम करते ही काम कर रहा हूँ तो तू ये समझ ले कि अपना ना मैं थोड़ा वो एक थिंक टाइम होता है पता है थिंक टाइम मैं उसके लिए जा रहा हूँ ठीक है थिंक टाइम तो तुम यहाँ पर भी जेपी यहाँ नहीं होता यार नहीं यहाँ नहीं होता मतलब पूरे टाइम कोई आ रहा है कोई जा रहा है तुम उसमें चले जाओ नए वाले घर में एक रूम में शिफ्ट बंद हो जाओ नहीं नहीं उसमें नहीं हो रहा मैं किसके साथ जा रहे हो भाई ड्राइवर ले जा रहा हूँ बता कौन सी गाड़ी ले जाऊंगा किया ले जाओ मर्सिडीज ले जाओ आराम से सोते ले जाओ नहीं तू अरे मुझे नहीं तू मुझे मुझे पता है मुझे क्या करना है तू वो ले जा मर्सिडीज चाबी ले जा मैं नहीं ले जा रही मर्सिडीज व्हाट नहीं नई वाली गाड़ी तुम नई वाली गाड़ी में चले जाओ तो वो छोटी में हां अच्छा यार बंद क्यों नहीं हो रहा यार तो जल्दी आना फिर फोन करते रहोगे ना या फोन भी बंद कर दोगे पागल है क्या यार कोई घर से भाग रहा हूँ क्या तुम्हारा पता नहीं है तुषार भाई ये ले लेते कि उसके जो लेंस है ना कैमरा भी आ गया है ये छोटा वाला कैमरा लेके जाऊं सुबह जा रहा है नहीं नहीं जा रहा यार वो तो जिद मत कर बच्चों की तरह किसी को लेके जाओ अपने साथ रोहित को भेज दे रोहित को भेज दे रोहित को भी नहीं भैया तुम तेज काम करा लेगा ना यहाँ पे यार रोहित को भेज है वो ठीक है ठीक है मतलब पुनीत ठीक नहीं है अरे भाई सब ठीक है मैं ठीक नहीं हूँ सब ठीक है ओवर एक्टिंग करने में ज्यादा कभी कभी सेंडी भाई पांच सौ तुम लोग बिना मत पेशी बना रहे हो
अब तुम्हें गुच्ची की याद नहीं आएगी? किसकी? तुम्हें अब गुच्ची की याद नहीं आएगी? आएगी क्या होगी? मतलब गुच्ची की याद आएगी उससे क्या करूंगा, इसका क्या लेन देन है? मैं तो जब भी जाता हूं मैं अपने गुच्ची बेटे को याद करता हूं। अब तुम्हें गुच्ची, तो मैं तुझे क्या करूं, गुच्ची की याद नहीं आएगी? मैंने कभी बोला काना का स्कूल का देखना है, उसको ट्यूशन देख लेंगे, उसके पापा आने वाले हैं दो दिन में, उनको लेके जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं और रोहित, हाय हाय, हम दोनों निकल गए। आज एक प्रैंक हो रहा है नीतू के ऊपर, और ये आइडिया आप ही लोगों में से किसी एक ने दिया है हमें। मेरे को इंस्टाग्राम पे जब मैंने बोला था प्रैंक आइडिया चाहिए, वैसे महीने भर पुरानी बात है, मैंने सेव करके रखे थे, एंड नो बेटर टाइम देन दिस, क्योंकि अभी उसको दिमाग में कुछ है ही नहीं कि मैं कोई प्रैंक वैंक प्लान कर सकता हूँ। तो इस प्रैंक में मेरे साथ सैंडी भाई अपनी दोनों, उन दोनों को पता है, वो एक्टिंग कर रहे थे घर पे, इसीलिए वो कैमरा लेकर आए थे। नीतू को अकेले को नहीं पता, वो शायद कुछ तैयारी करा रही है, 10 मिलियन होने वाले हैं उसकी। तो हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता लगेगा, अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी कुछ बहुत अच्छा है, बट नीतू के रिएक्शन लेने के लिए मैंने सैंडी भाई और पुनीत को दोनों को छोड़ा हुआ है। एक्साइटेड भाव? बहुत ज़्यादा भाव। तेरे को पता लग गया, वैष्णवी को मत बोलियो, वैष्णवी घर पर रुकी हुई है, कहीं वो नीतू को बोल दे। नहीं, उसको बोल। पक्का? वैसे ऐसी कोई बात होती नहीं जो वैष्णवी को ना बताता हो, कहता ना नहीं, ऐसे सब बताता है, पता नहीं की जरूरत नहीं, वो सर्च इंजन है। वैष्णवी ब्लॉग देखेगी वैसे वाला भाई। हम लोग जाने से पहले एप्पल स्टोर पे, क्योंकि मेरे जो एयरपॉड है वो नीतू के हवाले है, और नीतू को मैं बता नहीं सकता, मतलब उससे मैं गुस्से का एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं ले नहीं पाया। अनलकीली हमारे घर के बिल्कुल पास में एप्पल स्टोर है, जो चाहिए था वो नहीं मिला। आप लोग एक काम करें, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वाले एप्पल स्टोर पे देखेंगे। अभी मैं जा रही हूँ डैडी, क्योंकि आपको पता है 10 मिलियन होने वाले हमारे, कभी भी हो जाएंगे, तो उसकी पार्टी का सेलिब्रेशन है हमारे लिए भी और आपके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो फ्रेंड्स, हमारे ड्राइवर भैया को बहुत ज़्यादा सुस्सू लग रही थी, बहुत तेज, तो हम बीच में कहीं रुके, लेकिन आज हम जहाँ पे आए वहाँ मच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड हम पहुँच गए। रोहित को भी लगी थी, रोहित भी गया हुआ है। वैसे हमने पूरी गाड़ी का ना वर्क स्टेशन बनाया हुआ, देखो यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है अभी मेरा रोहित का, हम जिस नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए। तो पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया, 1 घंटे का नैप भी लिया था वैसे मैंने, बट देन टू हम 2 बजे चले थे, 5 बजे के आसपास पहुंच गए ऑलमोस्ट। ओके गाइस, सबसे पहले हम हैबिटेट सेंटर आए हैं, और पूरे रास्ते मैंने ड्राइव करी है, मेरे बाल पूरे खराब हो चुके हैं। सबसे पहले वॉशरूम जाऊंगी, इसके बाद यहाँ पर लोकेशन सर्च करूंगी कि हम लोग कहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आर्ट गैलरी हो रही है, चले। ओके गाइस, तो हमने ये वाला एरिया देखा है, लेकिन कुछ खास नहीं लग रहा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा अभी हमें। हमने मीटिंग कर ली है, 15 मिनट की मीटिंग थी, और मैंने अपने आप को देखा, हम दोनों ने अपने आप को देखा कि हम सनरूफ खोलते हुए आ रहे हैं, और हमारा हाल हो गया बेहाल, है ना। कार को हमने बंद कर दिया है, ठीक है, ऐसे हम ऐसे ही जाएंगे, बारिश आने वाली है, क्योंकि चल बैठ जा दीदी। तो गाइस, लखन को मैंने 25 से 26 बार कॉल कर लिया है, पहले तो मुझे लगा ये प्रैंक है, तो मैं नॉर्मली बिहेव कर रही थी, लेकिन मैंने सुधीर से फोन करके पूछा कि लखन आ गए, और कैमरे में भी चेक किया, और सुधीर तो मेरा मतलब बिल्कुल पक्का वो है कि वो मुझे हर चीज़ बता देता है, कहता है दीदी अभी तक भैया नहीं आए हैं, और पुनीत भैया सैंडी भैया भी नहीं है, तो मुझे पूरा डाउट हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है। तो मैं अब यहाँ पर आई थी मॉल में, लेकिन मैं फटाफट काम खत्म करके निकलूंगी, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ एक डोसा और एक बनाना शेक पिया है, मैंने लंच भी कुछ नहीं किया। मैंने सोचा था यहाँ पर आके मैं डिनर करूंगी पूनम दीदी और मैं, क्योंकि हम सुबह से भाग रहे थे यहाँ की लोकेशन वहाँ की लोकेशन देखने में, अब मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है। अरे आ जाएगा यार, रात तक का वेट कर, रात तक का वेट करूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने पूरे रास्ते अपना फोन स्विच ऑफ किया हुआ था, स्विच ऑफ नहीं, एयरप्लेन मोड पे था, फोन ऑन करा, नीतू को 23 मिस्ड कॉल है। अब मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ना, जब मैं सुबह निकला था तो नीतू बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, उसको लगता मैं कोई प्रैंक कर रहा हूँ, कोई मजाक कर रहा हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ घर से, करीब 4-5 घंटे दूर। तो अब जब नीतू को वीडियो कॉल यहाँ से करूँगा, तो उसको रियलाइज़ होगा कि भाई मैं सच में प्रैंक नहीं कर रहा था, और मैं घर छोड़ के आ चुका हूँ। बहुत क्रेजी होने वाला उसका रिएक्शन देखने का। और सैंडी भाई और पुनीत को कोशिश करूँगा कि वो लोग रिकॉर्ड कर लें, बस वो घर पे हो तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा रोहित भाव चेक इन करा रहे हैं, कैसे है भाई, वेलकम ड्रिंक? वेलकम ड्रिंक मैंने खुद लिया है, खुद ही अच्छा या नहीं होता? अच्छा, तो हमने चेक इन कर लिया अपने रूम में, और जब US से आ रहा हूँ ना भाई, इंडिया में देखो ये इतना अच्छा रूम अपने को सिर्फ 5,000 में पड़ा है। रोहित भाई ऐसे रूम वहाँ 20,000 में थे, लगेज भी खुद लाना, मतलब भाई हाँ, इंडिया हमारा बेस्ट है इन चीज़ों में, हॉस्पिटैलिटी में इंडिया कोई जवाब नहीं है, खाना इतना सस्ता है, हर चीज़ अच्छी है, मतलब खरीद के लेना पड़ता पानी, हाँ पानी होता है नहीं, 4-4 बोतल कॉम्प्लीमेंट्री रखी है, और ख़त्म हो जाए 4 बोतल दोबारा में कॉल करके भेजो भाई, दोबारा आ जाएंगे, मतलब ये चीज़ पानी का तो चार्ज करते ही नहीं भाई, मतलब अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया को ग्रेट बनाती हैं। तो अभी तक भी नीतू को नहीं पता है, नीतू भाई नीतू को लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ सुबह सुबह, वो मतलब वो पागल हो गया, कितने मिस्ड कॉल थे पता है, फोन खोला 23 मिस्ड कॉल, 23, एक फ़ोन मैंने ऑफ करके इसको दे दिया, एयरप्लेन मोड पर डाल, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लॉग बना रहे थे हम। तो भाई मैं कल ड्राइवर को भी कॉल कर रहा हूँ, ओ भाई ड्राइवर को बोल यार, शिट, नहीं नहीं बोल दे तो पहले, वो पहले ये पूछ उसका कॉल आया तो नहीं कहीं, सब इन्होंने कर दिया हो कबाड़ा। यार रोहित तू भाई वो बहुत अजीब है यार। तेरी अभी कॉल आया नीतू का, भाई कॉल में कॉल आ रहा है उसका, फोन खुलते ही साइलेंट भी कर देता इसको।
ये ना बताएं हम यहाँ पे हैं, ये ना बताएं हम यहाँ पे हैं। हेलो, मैं कह रहा हूँ मैम का अगर कॉल आए ना तो ये बताना मत कि हम यहाँ पर है, ठीक है? मैम को ये बताना मत कि हम यहाँ पर आ गए, ठीक है? कुछ भी नहीं कहीं कुछ भी मत बोलना, ठीक है? पूछे तो बस कुछ भी मना कर देना। हाँ। भाई मेरे ड्राइवर भी सोच रहे होंगे कि ये कह, मतलब मैं क्यों छुपा रहा हूँ नीतू से, कहीं मैं चीट तो नहीं कर रहा। हो सकता है ऐसे वाइल्ड थॉट दिमाग में आ गए। हाँ, और होटल में और आ गए भाई। भाई देख किसका कॉल आ रहा है। मैं गुस्सा होके नीतू से आया था यहाँ पे, जो कि एक प्रैंक का पार्ट था हमारा, और मैं आया हुआ हूँ चंडीगढ़। तो ठीक है, अभी मैं एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो वायरलेस वाले होते हैं, वायरलेस चार्ज जिससे हो जाते हैं। रोहित भाऊ हमारा आते काम पे लग गया है। रोहित भाऊ थैंकफुली अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, नीतू को पता नहीं चला है। बिल्कुल नहीं पता। ओके, भनक भी नहीं है इसको चार्जिंग लगा के। चल यार अभी चलते हैं भाई। वैसे हम लोग जिस होटल में लास्ट टाइम रुके थे उसी में रुके, हॉलिडे इन में। बहुत अच्छा होटल है, बहुत अफोर्डेबल होटल है, बहुत सब चीज़ें ठीक है यहाँ पे। बस वाईफाई की स्पीड लास्ट टाइम ठीक थी यार, ठीक ठाक थी। तो इस बार पूछना पड़ेगा इनसे, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। लोचा नीतू का कॉल है। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं। हाँ जी हाँ जी, मेरे साथ नहीं हुए। क्या हुआ, कट गया कॉल? क्या कर दी भैया काम में? क्या बोला? मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है। अबे तो गाइस, जिस मार्केट में हम आए ना, यहाँ पे सोनी का भी स्टोर है। तो मेरे कैमरे का कैप आपको याद है, यूएस में रह गया था। क्या पता यहाँ पे लकीली कैप मिल जाए। वैसे मैंने ऑनलाइन भी देखा, कहीं नहीं मिल रहा है यार। वो बड़ा रेयर लेंस है जो मैंने लिया हुआ है ना, उसका कैप मिलना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। देखो भाई, मेरा सैमसंग के स्टोर में घुस गया है सोनी का कैमरा लेके। रोहित के चेहरे से पता चल रहा है कि निराशा के साथ आ रहा है। मैं खुद ही आ गया, मुझे पता था नहीं मिल रहा होगा ना कहीं भी। कौन से भी स्टोर पे नहीं, तीन स्टोर देखे कोई भी नहीं मिल रहे। मैंने खुद ये गलती की है। कह रहे लेंस ही खतरनाक है भाई। ये तो बहुत बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, पीछे भी एप्पल स्टोर है, आगे भी है, दो दो जगह है यहाँ पे। भाई बारिश भी पड़ने लगी तो यहाँ पर जो चीज चाहिए थी वो मिल गई है। गाइस एक तो चंडीगढ़ खूबसूरत इतना, ऊपर से मौसम इतना अच्छा हो रहा है इस टाइम शाम के टाइम, और यहाँ फूड स्टॉल देख देख के ना भाई मुझे क्रेविंग हो रही है खाने की। मैं चंडीगढ़ ना सबसे पहले आया था यहाँ पे क्रिकेट के ट्रायल देने के लिए, और रॉक गार्डन वगैरह घूमता था उस टाइम पे। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं शहर से भी मेरी, बट अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अभी मौसम सबसे अच्छा हो रहा है भाई, सोने पे सुहागा। थोड़ी एनर्जी ले ले भाई रोहित, तू भी खा ले मेरे साथ, क्योंकि अभी भी नीतू की डांट खड़ी है, उसको पता चलेगा हम कहाँ हैं, उसके साथ प्रैंक हुआ इतना बड़ा। खा ले भाई खा ले। भाई पुनीत मैं कह रहा हूँ ये सो रहा है। अगर ये वैसे सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा होगा। मैं इसके मुंह में हिंगोली डाल के देख लेते हैं, ये भी चटकारे लेगा। चल ठीक है भाई, ये भी चेक कर लेते हैं। अरे सो रहा है यार वो। नहीं तो मैं कह रहा हूँ यार, ये उठा, अगर उठा होगा ना मैं इसके हाथ में किताब पकड़ा दूंगा। देखना देखो ये हिंगोली, अब देखना अभी आ जाएगी, अभी चटकारे की आवाज सुना। गई गई अंदर, देखो देखो यार ये तो बहुत गहरी नींद में। देखो लेकिन देखो। मैंने ये भी सुना है अगर उसकी बंदे की टांग खड़ी करते हैं ना तो बंदे की टांग हवा में रहती है अगर वो गहरी नींद में होता है। मैं भी देखो 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 चटकारे की आवाज आ गई। देखो देखो ये तो स्लीप में, ये लोग गहरी नींद में है, बहुत ज्यादा गहरी नींद में है। और हाथ का देखो, हाथ से जो पता चलता है देखो। ओहो हो, ये तो बहुत गहरी नींद में भाई। और चटकारे देखो अभी भी आएंगे। देखो 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 देखो। तो दोस्तों हम लोग अपना डिनर करने के बाद आ गए हैं सीधा पायल दीदी से मिलने, क्योंकि पायल दीदी वापस आ चुकी है। सस्पेंस तो होगा नीतू के लिए, क्योंकि उसको अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं, पायल दीदी को वैसे मैंने फोन पे बता ही दिया था। पायल दीदी कहाँ पे? पायल दी, अरे किधर हो? आ रही हो आप? आप आ जाओ ना। हेलो तूबा। अबे तू अभी भी यार? जैदा ये कब पैसा लेगा मेरे को? जैदू चच्चू को हेलो करो। हाँ। बोलो नीतू जी कहाँ है? नीतू माची गेम बॉल खिचड़ी खा रहे थे हम तीनों बच्चे। आया तू, आजा बेटा तू ही है। तू बजा, ऐसे थोड़ी करते हैं। इतने दूर से आए चच्चू, ज्यादा आनू कैमा देख रहे हो? कैमा आप पे जाने का दीदी, सबसे पहले बताओ कैसा जाना हुआ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था भैया मेरा। यहाँ कैसा लग रहा है, जेल से बाहर निकल आई हो? मुझे वहाँ पे भी जेल नहीं लग रही थी। और मेरे लोग तो कहते हैं कि घुटन सी होती है वहाँ। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल घुटन नहीं है, मुझे बिल्कुल जेल जैसा नहीं लग रहा था। अब बता, मैं नीतू को ना बिना बताया, नीतू नहीं आई उसे बिना बताया, मैंने उसे प्रैंक किया। मैंने बोला मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, मैं घर छोड़ के चला गया। अच्छा, उसको पहले लग रहा था मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर वो अपने घर चली गई। वो भी मतलब कुछ शायद वो 10 मिलियन का कुछ कर रेट रहा है। अच्छा, पार्टी वार्टी का। उसके बाद अब उसको लगा कि यार मैं सच में चला गया, जब मैं घर में नहीं दिखा ना रात में उसको, तो अब मैं सीधा ऐसे वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी, देख मैं कहाँ पे है वो। कितने
यार दिखा दो आपको पहचान रहे अभी कर दे भाई देखो अब पिछली बार थोड़ा सा वो था मतलब खुला नहीं था पिछली बार ये बहुत बोल रहा था अब ये बिल्कुल शांत है यार ये जब से गोलू गई ना थोड़ा शांत हो गया है अच्छा ये देख अरे टीवी पे देख के क्या रिएक्ट करते हैं तीनों ये तो पापा 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 पकड़ते करते और जब मैं एयरपोर्ट पे लेने गई थी ना इनको तो ये तीनों एक एक करके भाग के आ रहे हैं इन्होंने पहचान लिया एक मिनट में मुझे भाई मैं तो सबसे एक्साइटेड हूँ बिग बॉस के अंदर होता क्या क्या वो जानने के लिए ये लोग कहते हैं ना भूखे मरते हैं ऐसा कुछ नहीं अच्छा अपने फैमिली में छोड़ के कोई और फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है रणवीर जी ओ यार रणवीर भाई मतलब मैंने उनकी ना अभी अभी वो आई थी ना क्या नाम है सनफ्लावर एक वो है वेब सीरीज है क्या एक्टिंग करी है भाई बंदे ने सब पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करा है मतलब अपनी फैमिली के सिवा मुझे बहुत अच्छे लगे बाकी तो दो अपने हैं वो तो अपने धीरे अंदर से लिया दोबारा वाइल्ड गार्ड में मैं अपनी मर्जी से थोड़ी शर्म आनी चाहिए पानी लेके आया भाई ये पानी दे रहा आपका भैया अपना बोतल में से पानी ऑफर कर रहा था भाई मुझे फिर बहुत देर बाद रियलाइज करा दीदी ने कि यार मैं बहुत देर का आ गया हूं शायद इसलिए वो कर रही है पानी दे रहा है अब मैं मंगवा दिया बेटा मंगवा दिया ये बेसन बैठे हैं हम पे पानी नहीं पूछ रहे तू तो शर्मिंदा करा दे यार कहीं पे मैं एक बार फोन लेके आती हूं हां फोन करते मैं मांग लेती हूं आ जा हां बोल भाई ये तो भूल गया मेरे को यार अयान को याद है यार अयान को आगे दीदी आगे फोन लेके भाई अपना लाओ ओ बहन सही टाइम पे यार देखो मेरे पे वीडियो कॉल आप ही करो नहीं मेरा कटर है कैसी है मैं ठीक हूं आप कैसे दीदी मैं बहुत बढ़िया तू बता मैं भी ठीक हूं और घर में सब ठीक है तुम तो आने वाले थे आज यार हां मेरे को प्रॉब्लम हो गई बताऊंगी आप यही प्रॉब्लम ये भगवान ये मेरे पास कॉल आया भैया का कह रहे बहना मैं चंडीगढ़ पहुंच गया हूँ और मैं एक घंटे में आ रहा हूँ मैं जिम कर रही थी बस मैंने ठीक है भैया आ जाओ फिर ये आए ना कैमरा लेके मुझे लगा तू पीछे आ रही होगी मैंने बोला नीतू का है कह रहे नीतू घर पे है मैंने उसके साथ प्रैंक करके आया हूँ कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और वो परेशान हो रही है दीदी सच में मुझे पता क्या लगा मैं ऐसी आई अभी दो दिन के क्योंकि मैं कैमरा चेक कर रही थी कि आप आएंगे घर पर लेकिन सच में यार लखन तुम बहुत और रोहित भी गया है हां ये रहा मेरी तरफ से दो मारो तेरी मेरी तरफ से दो मारो मैं ना बहन अरे यार वो भी तो बहन है इसके ही मारो मैं भी तो इसको इसने थोड़ी कुछ किया है आपने किया है वो थोड़ी प्रैंक कर रही है आपके साथ पर मुझे बहुत बुरा लगा भैया तेरे को लेके नहीं आए यार दीदी क्यों वो कर रही है मैं प्रैंक करके आया हूं मैंने मेरा दीदी बोला था मेरे को तो थोड़ी तू रोई है क्या नहीं मुझे नींद आ रही है रोई नहीं हूं मूड तो यार देखो किसी भी का कुछ हो तो मूड तो खराब हो जाता घर में अगर कुछ भी होता है तो सच बता रही हूँ मेरे को गाइस आइडिया दो बहुत अच्छे प्रैंक का और स्नैपचैट पर ही देना यहाँ पर मत देना यहाँ पर तो ये रीड कर लेंगे हेलो बोल दो दीदी मेरे ब्लॉग में भी हेलो बोल दो आपका भी ब्लॉग है क्या ये मेरा ब्लॉग है लखन और मैं अलग अलग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तुम बच्चों के लिए कुछ लेकर गए हो खाली हाथ चले गए हो मैं तो तुमसे उम्मीद ही नहीं कर सकती चाय चाय पियोगे नहीं मैंने डिनर कर लिया ना भाई सच में आदमियों का कोई कुछ नहीं कर सकता उनमें दिमाग ही और लखन में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलो बहुत लोगों में होता है जैसे पता है फर्स्ट टाइम जब अरमान भाई और कृतिका दीदी आए थे ना मतलब इतने प्यारा सा पैकेज लेकर आए थे इतनी उसमें मिठाइयाँ थी चॉकलेट थी जबकि मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं और देखो उनके घर में 5 बच्चे हैं और खाली हाथ पहुँच गए ये कोई बात होती है ये कोई तमीज़ होती है 5 ही तो बच्चे हैं तूबा अयान अच्छा सॉरी 4 मैंने अरमान भैया को बच्चा बना दिया मैं कह रहा हूं 5 बच्चे मैं भी सोच रहा है नहीं लेकिन गाइस ये बहुत ही गंदा प्रैंक था मैं इस प्रैंक से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मेरी ना हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी लेकिन मुझे लगा मी टाइम यार हर किसी को चाहिए होता है और कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम दोनों बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं तो लखन का भी ऐसा फेस चल रहा था तो मुझे लगा यार चलो थोड़ा सा मगर मुझे नहीं पता था कि रोहित भी वहां पर है मैंने जो चीज ली फिर मेरे को पता चला कि गिफ्ट नहीं करते मैंने लिए 3 परफ्यूम अच्छा परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए भाई यहाँ मैं रिस्क नहीं लूंगा क्यों नहीं बच्चों को थोड़ी परफ्यूम लगाते मैं कितना गधा हूँ भाई पहली बार तो परफ्यूम वो भी बच्चों के लिए गाइस नीतू के साथ तो हो गया हमने जो प्रैंक करा था वो पूरा सक्सेसफुल हो चुका है पुनीत
खत्म कर दिया, सक्सेसफुल नहीं हो चुका, ये ज्यादा बढ़ चुका है, बढ़ चुका लड़ाइयां। हां तो सॉरी मैं लेट आया, आई एम सॉरी। लेकिन हुआ क्या? जो भी हुआ ना डूची बताएगा, डूची कैसे बताए। लेकिन जो भी हुआ आप लोगों को मजा आया ना ये बताना जरूर कमेंट्स में, बाकी आप देखते रहिए इनकी लड़ाइयां। अभी हमें लेट नाइट क्रेविंग्स नहीं हो रही थी, फिर भी पिज्जा मंगा लिया मैंने, आपके बहाने मैं अभी खा लूंगी, बिग बॉस देख रही हूं, ये सारी चीजें मिस करी थी। ओके बहना, बाय बाय, टेक केयर, सुबह मिलेंगे आपसे, बाय 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 बाय, जाते जाते मिल के जाना। और अभी नीतू को आपने बताया, बताऊं कि नहीं बताऊं? आप वहां नहीं जा रही सीधा क्या? नहीं 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 बताऊं, नहीं। इस बात पे रिएक्ट ही नहीं किया जब मैं कह रही हूं घर नहीं आ रहे, रिएक्ट ही नहीं किया उसको, लग रहा है मजाक। कोई नहीं, मैं बताऊंगी, ठीक है, बाय 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 बाय। रोहित भाऊ का तो फोन ही स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ अभी भी नहीं हुआ क्या चार्ज? थोड़ा बहुत हुआ है 11%। ओह माय गॉड गाइस, मुझे आज अकेले सोना पड़ रहा है, मतलब काना के साथ मैं सो रही हूं, और मैं पहली बार नहीं सो रही हूं, सेकंड टाइम सो रही हूं काना के साथ, सेकंड थर्ड टाइम। और सच बता रही हूं, काना बहुत ही पीसफुली सोता है, वो बेचारा सो गया है, अब मेरी टर्न है, मुझे लेंस उतारने पड़े। लेकिन सच में मैं बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और मैं रोई भी थी, लेकिन मैंने लखन को बताया नहीं, अदरवाइज टेंशन हो जाती, इसलिए मैंने बोला नहीं नहीं मैं तो नींद आ रही है मुझे, मैंने इससे झूठ बोल दिया। वेल लखन ने जो ये प्रैंक किया है बहुत ही गंदा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पर वो तीन परफ्यूम रखे हैं जो कि उन बच्चों के लिए लाया था, बट थैंक गॉड मुझे टाइम रहते बता दिया गया, कुछ और गिफ्ट लूंगा उनके लिए। तो अब सो जाता हूँ क्योंकि घर जाके नीतू को गुस्सा भी देखना है अपने को यार, मजा आ रहा है। लेकिन भाई नीतू के ऊपर ऐसा प्रैंक है, वैसे जिसने भी आइडिया दिया था बहुत अच्छा आइडिया था। कल मिलेंगे, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दूसरा पोपट उसका अच्छा वाला बन गया मेरे को पक्का पता है, लाइक कर देना, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।